नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन वीडियो में इंपॉर्टेंट रेमेडी के बारे में बात करेंगे। डीपैक्टिंग पॉलीक्रेस्ट होम्योपैथी का एंटासिड। जी हां दोस्तों, एंटासिड टैबलेट जैसे आप लेते हैं एलोपैथिक सिस्टम में, सिरप हो या फिर टैबलेट हो, किस चीज़ के लिए लेते हैं? जब आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, सॉर इरेक्टेशंस होता है, मतलब खट्टी लगा आना, छाती में जलन होना, पेट में जलन होना, गले में पूरा जलन होता है और आप रह नहीं पाते, कभी कभी इतना जलन होता है, इतनी एसिडिटी होता है कि खांसी भी आ जाती है। आपने अगर फील किया होगा तो आपको खुद पता होगा कितना खतरनाक कंडीशन होता है। तुरंत आपको ये महसूस होता है कि कुछ एंटासिड का सिरप मैं ले लूँ या फिर टैबलेट खा लूँ, उसको थोड़ा लेने से टेम्पररी वे में आपको आराम मिलता है, लेकिन परमानेंटली उसका रिलीफ नहीं मिलता। आज जिस दवाई के बारे में चर्चा करेंगे वो आपके इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करेगा। पेट से संबंधित और एसिडिटी से संबंधित जितने भी तरह की समस्या है बहुत बढ़िया रिलीफ करता है। इंपॉर्टेंट दवाई है, आपके लिए वरदान, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको अच्छी तरह से देखें, वीडियो को अंत तक देखिए। पोटेंसी भी कैसे लेना है मैं अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास जो लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं बहुत सारा डाउट्स है उनका कि इतना पैसा क्यों लेते हैं आप। हमने 30 डेज का 800 रुपीज रखा है, बहुत सारे लोगों के डाउट है, मैं थोड़ा क्लेरिफाई कर देता हूँ फटाफट एक मिनट के अंदर, फिर उसके बाद हम मेन टॉपिक पे चलेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ, आमतौर पर जो नॉर्मली एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर होते हैं वो 300 से 500 के अंदर लेते हैं फीस, ठीक है, इट्स ओके, नॉर्मल फीस है 300 to 500, लेकिन हमने रखा है 350 एक कंसल्टेशन का, 350 मतलब हम जो कोर्स देते हैं 350, अगर कोई देता है तो 10 डेज का कोर्स देते हैं, तो इस हिसाब से अगर हम 350 इंटू 3 करें तो 1050 हो गया आपका 30 डेज का कोर्स, ठीक है, 10 डेज का 350 है, ओके, 10 डेज का 350 है, तो 30 डेज का हो गया अगर हम देखें तो 1050 हो गया, ओके। हम इसको करते हैं, अगर एट ए टाइम आप पेमेंट करेंगे 30 डेज के लिए तो ये कम होके आता है 800, ये हमने रखा है 30 डेज का, मतलब 10-10 दिन का 3 कोर्स आता है। उसके बीच में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा अगर आप 800 लेते हैं 30 डेज के, अगर फीस पेमेंट करके तो बीच में आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। मान लो आपको कोई दूसरा प्रॉब्लम हो गया, कुछ आपका डाउट है, जो भी आप पूछना चाहें व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्टली मुझसे बात करके आप पूछ सकते हैं, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि लेते तो हैं 150-200 रुपए, लेकिन जितनी बार आप बात करेंगे उतनी बार 200 लेते हैं, ऐसे तो कई बार खर्चा आ जाता है, बहुत सारा खर्चा आ जाता है, लेकिन हम 800 रुपीज में प्रोवाइड करते हैं आपको अनलिमिटेड, जो आपका जो कंसल्टेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके अतिरिक्त जो है फॉलोअप आपको मिलेगा, हर 10-10 दिन में आपको एक फॉलोअप दिया जाएगा, 3 कोर्स आता है, ठीक है, हम जो मेडिसिन लिख के प्रेस्क्राइब करते हैं वो 3 कोर्स आता है, आप खरीद के यूज करना, फिर हम उसको अपडेट करते हैं, लेटेस्ट कंडीशन क्या होता है, क्या चेंजेस होता है नहीं होता डिस्कस करके फिर नेक्स्ट कोर्स बनाया जाता है, तो ये हमारा प्रोसेस है। तो आई होप सो कि आपने समझ लिया होगा, कुछ ज्यादा पैसा हम नहीं लेते, नॉर्मल जो नॉर्मल लोग लेते हैं उतना ही हम लेते हैं और उससे काफी ज्यादा सर्विस देते हैं उनको, ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत सारा जो पेशेंट हो जाते हैं तो थोड़ी कुछ लोगों को थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे ना बात करें, ठीक है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वो अगर चाहे तो हम उनको कभी कभी कंसल्टेशन अगर ना दे पाए, पेमेंट कर दिया उन्होंने, कंसल्टेशन हम नहीं दे पाए, 4-5 दिन हो गया, तो उनका पैसा वापस भी हो जाता है, ठीक है, तो ये फैसिलिटी भी है, डरने की ज़रूरत नहीं है और प्रॉपर कोर्स हम करते हैं, ठीक है। तो क्लैरिफाई हो गया होगा आपको, मेन टॉपिक पर चलते हैं। मैग्नीशिया कार्प आज की जो दवा है, अच्छी तरह से आप नोट कर लेना, मैग्नीशिया कार्प होम्योपैथी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, अपने घर में जरूर ला कर रखिए इसका। 30 पोटेंसी बहुत ज़्यादा यूज होता है, 200 भी यूज होता है, लेकिन कम से कम आप 30 अपने घर में जरूर रखिए। इंपॉर्टेंट पेट संबंधी समस्याओं के लिए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कैट्रा, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मतलब आपका जो स्टमक रीजन है और इंटेस्टाइन, उन दोनों में अगर कोई इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब सूजन होता है, जो गैस्ट्रिक से रिलेटेड सूजन होता है, दर्द होना, सूजन होना, तो उसको बोलते हैं कैटरा, और उसके साथ साथ हाइपर एसिडिटी,
बहुत ज्यादा सारा इरिटेशन होता है, जलन होता है, खटी डकार आना, ये सब चीजें अगर होता है आपको क्रॉनिक वे में, बहुत सालों से आपको हो रहा है, आप उसको तकलीफें झेल रहे हैं, तो ये दवा डेफिनेटली आपकी मदद करेगी, उसको परमानेंटली सॉल्व करने की आपको बिल्कुल मदद करेगी। इसको याद रखना, सारा इरिटेशन, वोमिटिंग और बिटर वाटर, जैसे कि मैंने कहा अगर आपको खट्टी डकारें बहुत आती हैं तो भी यूज कर सकते हैं, और कभी कभी कुछ लोगों को जो एक बिटर वाटर उनको वोमिटिंग होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा जब एसिडिटी हो जाती है ना वो वोमिट हो जाता है, बाइल निकलता है या फिर कुछ येलो वाटर जैसा निकलता है जो कि बहुत ही बिटर होता है, कड़वा होता है, ठीक है, तो उस तरह का अपने ख्याल में जरूर रखिए। इस तरह का अगर आपको कोई दिक्कत होती है और बहुत सालों से हो रहा है, क्रॉनिक टेंडेंसी है, तो ये दवा आपको डेफिनेटली मदद करेगी। रंबलिंग एंड गर्गलिंग एब्डोमेन पेन, रंबलिंग होता है, घुड़घुड़ाहट होती है पेट में, बहुत ज्यादा सूज जाता है, फूल जाता है पेट, कुछ भी खाते हैं हजम नहीं होता, डाइजेशन बहुत ही वीक है, तो वहां पर आपको डेफिनेटली मदद करेगा। उसके साथ साथ हल्का हल्का दर्द भी हो सकता है, तो उसमें ये आपको डेफिनेटली मदद करेगा। डायरिया के लिए बहुत ही बढ़िया दवा है, वैसे तो बहुत सारी दवाएं हैं, आपको पता होगा एलोस पोडोफाइलम क्रोटोन टिगलम, ऐसे बहुत सारी दवा है, लेकिन ये दवा बहुत ही खास है जिनको क्रॉनिक वे में एसिडिटी और पेट संबंधी समस्या रहती है, आईबीएस की दिक्कत रहती है, उनके लिए खास है। तो डायरिया कैसे होती है, आमतौर पर नॉर्मल येलोस्टोन डायरिया भी हो सकता है, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पॉइंट है वो है ग्रीनिश वाटरी डायरिया, जिसमें फोमी होता है, फ्रोती, फ्रोमी मतलब वहां पर फेन निकलता है, फेन फ्रोती जो, ठीक है, तो झाग बोलते हैं उसको, झाग जैसा होता है, स्टूल होता है, वहां पे झाग बहुत होता है, ग्रीनिश होता है, वाटरी होता है, ये उसका स्पेसिफिक पॉइंट है, आप याद रखिएगा। मिल्क पासेस अनडाइजेस्टेड नर्सिंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में जो दूध पीता है, चाहे वो माँ का दूध पिए या फिर नॉर्मल बाहर का दूध पिए, वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता, ये लगभग 90% बच्चों में पाया जाता है, खासतौर पे जो लोग आर्टिफिशियल फूड सरलक वगैरह जो आर्टिफिशियल फूड्स होते हैं वो यूज करते हैं बहुत, उनके लिए खास है, डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता, वाटरी ग्रीनिश डायरिया होता है, और जैसा दूध पीता है वैसे ही फटके वो निकल जाता है, उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता, वो तन को लगता ही नहीं, असिमिलेशन प्रॉपर वे में नहीं होती, तो उनके लिए खास है ये दवा, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। सोर थ्रोट, ये थोड़ा बच्चों का अभी सोर थ्रोट वुमेन के लिए बात कर लेते हैं, जो फीमेल है उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड से पहले गले में दर्द होना, सूजन होना, कान में दर्द होना, ये जितना भी तरह का दिक्कत हमेशा मेंस्ट्रुअल पीरियड से पहले होता है, ये क्रॉनिक टेंडेंसी वे में है, तो वहां पर बहुत बढ़िया काम करेगा। मेंस्ट्रुअल सिम्टम में एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि बहुत कम आता है, स्कैंटी बहुत कम आता है और बहुत देर से आता है, ये आपको दूसरे कई दवाइयों में मिलेगा, लेकिन इसमें भी एक खासियत पॉइंट है कि बहुत देरी से आता है और बहुत कम आता है, ठीक है। मोडालिटी आखिर में बात कर लेते हैं, मोडालिटी का मतलब कहां इसका प्रॉब्लम बढ़ता है, कहां कम होता है, जैसे हम विंटर सीजन के बारे में बात कर रहे हैं, विंटर सीजन के रेमेडीज के बारे में, ऑब्वियसली विंटर सीजन, विंटर वेदर में ठंडी हवा से इसका तमाम प्रॉब्लम बढ़ता है, ठीक है, सर का हो, पेट का, और भी कोई दिक्कत है जो भी हो, सर्दी में इसका प्रॉब्लम बढ़ता है और गर्मी के मौसम में गर्म हवा से इसका आराम मिलता है, ये चीज हमेशा याद रखना, और ये एक विंटर रेमेडी है। विंटर सीजन में अगर आपको डायरिया जैसा या फिर पेट संबंधी कोई दिक्कत होती है तो दो इंपॉर्टेंट रेमेडी याद रखना, ये मैग्नीशिया कार्ब और दूसरा पेट्रोलियम, उसका भी हमने जिक्र किया था, ये दो दवा विंटर सीजन में बहुत बढ़िया आपको मदद करेगी पेट संबंधी अगर कोई दिक्कत होती है, लेकिन पेट्रोलियम में एसोसिएटेड स्किन सिम्टम होता है, इसमें बहुत कम होता है, ठीक है, ये दोनों में डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं। तो ये था मैग्नीशिया कार्ब, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी, और 30 पोटेंसी आप घर में लाकर रखिए, एक्यूट कंडीशन में हर 15-15 मिनट आधे आधे घंटे में आप रिपीट कर सकते हैं, जैसे ही कंडीशन में सुधार आ जाए फिर इसको दिन में 2-3 करके 5-7 दिन ले लेना, फिर उसके बाद 200 पोटेंसी का दिन में 2 सुबह शाम करके 2 दो दिन, उससे ज्यादा नहीं लेना, डीप एक्टिंग मेडिसिन है, इससे आपका प्रॉब्लम बहुत बढ़िया रिलीफ करेगा। और मैग्नीशिया कार्ब क्योंकि एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है, अगर जरूरत पड़े तो 1 mg का सिंगल डोज आप ले सकते हैं 10-15 दिन के बाद, इसको बार बार रिपीट नहीं करना 1 mg को, और एक या दो डोज लेने के बाद आप मिनिमम 15 दिन से 1 महीना वेट कर सकते हैं। 30, 200, 1 mg कोई भी हो, आप 3-4 बूंद आराम से ले सकते हैं एक ही बार में, और डायरेक्टली जीप पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 mg का 1-2 से ज़्यादा नहीं लेना, 1 या फिर 2 बस उसको रख देना है, 1 mg का ज़्यादा रिपीट नहीं करना, ठीक है।
तो ये तो था आज का इंपॉर्टेंट दवा मैग्नीशिया का। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए बने रहिए महेश सर के साथ, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।